गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और हर व्लॉग शुरू होने से पहले जिस तरह मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि आज का व्लॉग भी हमेशा की तरह अच्छा जाएगा, मैं कोशिश करूँगी कि आज का व्लॉग भी बहुत ज़्यादा अच्छा जाए आप लोगों के लिए। एंड अगर आप लोग चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज मैं करने वाली हूँ कुछ स्कूल का काम है मेरा और बहुत कुछ है, मैं आप लोगों को कोशिश करूँगी कि हर चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, तो आओ चलते हैं। तो मेरे चेहरे पर आप लोगों को एक्साइटमेंट दिख रही होगी लेकिन ये नहीं पता होगा कि क्यों है एक्साइटमेंट। तो मैं आप लोगों को बता दूँ, दरअसल कल हमारे बाबा की बर्थडे है एंड मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने बाबा के लिए कुछ प्यारा सा गिफ्ट बनाऊँ एंड बाबा जिससे बहुत ज़्यादा खुश हो जाएँ। कोशिश करूँगी कि आप लोगों को अगर हमने बर्थडे सेलिब्रेट की तो वो भी दिखाऊं, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ हर चीज़ शेयर करना चाहती हूं। तो अभी बनाते हैं बाबा का गिफ्ट, तो मैं आप लोगों को उसका ट्यूटोरियल भी दिखाती हूं। तो फर्स्ट हमने उससे निकालना है सामान, इस ये जो छोटी सी संदूक है इससे निकालना है सामान। देन हमने इसको जो मैं बना रही हूँ उसको डेकोरेट करना है, तो सबसे पहले हम खोलते हैं इसको। तो अभी गाइस मैंने ये सामान निकाल लिया है, तो अभी इसको ओपन करते हैं। हो तिजोरी के अंदर देखा था क्या क्या है, चलो मैं अब आपको दिखाती हूँ। तो फर्स्ट मैं आप लोगों को बता दूँ, आई एम सॉरी गाइस, मैंने ये पहले ही जो है ना बनाना स्टार्ट कर दिया था एंड इस तरह का कुछ अंदर से शेप होगी, बाहर से कुछ इस तरह का रंग है। तो अभी मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ। आई एम सॉरी कि मैंने इतना प्रोसेस भी आपको नहीं दिखाया, बट मैं कोशिश करूँगी कि इसके आगे जितने भी प्रोसेसेस होंगे वो सारे मैं आप लोगों को दिखाऊं। तो चलते हैं बनाने की तरफ और बनाते हैं अपने बाबा के लिए कुछ क्यूट क्यूट से गिफ्ट्स फॉर हिज बर्थडे। तो दिखाती हूँ आप लोगों को। तो फर्स्ट मैंने ये रेड एंड येलो ग्लिटर्स ली हैं। अब मैं इन लोगों इनको छोटे छोटे इस तरह के, जिस तरह मैंने इसमें छोटे छोटे सर्कल्स काटे हुए हैं उसी तरह के मैं इनमें छोटे छोटे सर्कल्स काट के फिर इनको मैं उसमें लगाऊंगी एंड डेकोरेट करूंगी। तो करती हूँ मैं सर्कल्स इनके भी, तो आओ इनको आप छोटे छोटे सर्कल्स में कन्वर्ट करते हैं। मैं उनके लिए ये सर्कल कट करने वाली मशीन ले आई हूँ, तो अभी करते हैं। सबसे पहले ये जो मशीन है इसके जो बीच में जो ये वाली जगह होती है ना, इसके अंदर हमने ये घुसाना है। घुसाती हूँ, बहुत मोटी है ना तो इस वजह से सही से नहीं घुस रही, देख सकते हैं आप। ये देखा सर्कल कट गया ना, अब ये सर्कल अगर हम ये कवर खोलेंगे ना तो इसके अंदर से निकलेगा। तो इसी तरह के बहुत सारे बनाते हैं, आओ चलो 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 घुस जाओ। तो अब मैंने सर्कल्स कट कर लिए हैं, तो इस कवर को खोल के ना उससे बहुत सारे सर्कल्स निकाल देती हूँ। निकल जाओ भाई, निकल जाओ, फंसे हुए अंदर। तो मैंने निकाल दिए हैं, कुछ इस तरह के सर्कल्स बने हैं, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, ये देख सकते हैं आप। इस तरह के ग्लिटर्स के मैंने सर्कल्स बनाए हैं। अब हम इसी तरह के येलो सर्कल्स भी बनाते हैं, तो चलती हूँ बनाने के लिए। सबसे पहले ये मशीन लेनी है, इसके अंदर घुसा देना है, उसी की तरह अब हमने काटना शुरू कर देना है। तो अब मैं लगाना शुरू करती हूँ, ये सारों को पहले साइड में रख देते हैं। अब इस कार्ड को हमने सामने ले आना है। सबसे पहले हम रेड वाला लगाएंगे क्योंकि येलो के बाद हम रेड लगाना है हमारे को। तो इस तरह मैं सारी लेयर को काटे हैं, तो अभी मैं इनको और भी डेकोरेट करना शुरू करती हूँ। फाइनली गाइस इतना हो चुका है एंड मैं इतना ही चाह रही थी। अब इसके ऊपर हमने कुछ और करना है, देखना है आप लोगों को।
तो दिखाती हूँ आप लोगों को। इसके आगे मैं चाह रही हूँ कि मैं जैसे लाइट्स होती है ना यूँ, उस तरह ना लाइट्स बना दूँ। एंड फिर मैं क्या करूँ कि मैं ना जब लाइट्स बना लूँ तो नीचे बहुत प्यारी सी डेकोरेशन कर लूँ, ताकि ये कार्ड बिल्कुल एस्थेटिक लगे एंड बहुत ज़्यादा प्यारा लगे। मैं चाहती हूँ मेरे बाबा को दुनिया का सबसे अच्छा गिफ्ट मिले, जो खुद एक बेटी ने अपने बाबा के लिए बनाया है। अब मैंने ये ड्रॉ कर लिया है। अब इसके ऊपर मैं इस जो है ना सेलिब्रेशन मतलब जैसे होता है ना वो करूँगी, डेकोरेट करूँगी, मतलब जैसे थोड़ा गैप गैप से ना मैं यहाँ पर इस तरह के सर्कल्स काट के लगाऊँगी, जिससे लगेगा कि ये लाइट है। तो अभी कुछ इस तरह पूरी जो मैंने बनाई है ट्रेस करेंगे इस पर ग्लिटर शीट्स से। एंड जो ये नीचे जो स्टार्स मैंने लटकाए हैं इनको भी मैं डेकोरेट करूँगी, और ये कुछ इस तरह का लुक दे रहा है। अब मैं इसके नीचे भी बहुत अच्छे से डेकोरेट करूँगी और कोशिश करूँगी कि अच्छे से अच्छा बन जाए। तो ये मैंने बना ली है ऐसा, मतलब अगर इसको बहुत ज़्यादा उससे देखें, करीब से देखें तो ये चमकेगा एंड इट्स लुक ब्यूटीफुल। और अब मेरा नेक्स्ट टास्क है कि मैं इसमें ड्रॉ करूँ एक केक, तो मैं ड्रॉ करती हूँ। तो गाइस अभी टी टाइम हो चुका है और मैं टी पी रही थी, क्योंकि बीच में मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया और आधा स्लाइस बन चुका है। गाइस मैं इतना खुश हूँ, कल मेरे बाबा की बर्थडे है एंड हम लोग अगर सेलिब्रेट किया तो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप हमारी हर वीडियो का हिस्सा बने। तो मिलते हैं आपके ब्रेक के बाद, जब तक के लिए बाय। तो गाइस अभी मैंने बना लिया है ये, और ये आप बाहर से देख सकते हैं कितना क्यूट लग रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। इसके ऊपर मैंने प्यारा सा लिख दिया है हैप्पी बर्थडे, क्योंकि गाइस बर्थडे में बर्थडे की विशेस ना दें तो फिर काहे की बर्थडे भाई। और मैं चाहूँगी कि मेरा ये पूरा कार्ड बहुत ज़्यादा प्यारा लगे और मैं इसे जितना खूबसूरत बना पाऊँ उतना खूबसूरत बनाऊँ, ताकि मेरे बाबा एकदम मुझसे खुश हो जाएँ। तो बनाना शुरू करती हूँ। अब इसके अंदर का मेरा टास्क है कि मैं इसके अंदर ही बहुत ज़्यादा डेकोरेट करूँ, तो अंदर की तरफ चलते हैं हम लोग और इन सबको पूरा प्यारा से डेकोरेट करते हैं, क्योंकि यार ये इतना मैं अगर मैं लिख दूँ कितना गंदा लगेगा ना, तो मैं डेकोरेट करती हूँ। अंदर मैंने कुछ इस तरह का सजाया है। अब दूसरी तरफ की बारी है कि दूसरी तरफ मैं किस तरह का सजाऊँगी, और मुझे पता है ये थोड़ा बच्चों लग रहा है, बट इट्स ओके भाई, हूँ तो मैं भी बच्ची ना। तो अगर हम इसको बंद करेंगे तो ये कुछ इस तरह का लुक देगा, हम खोलेंगे तो एक तरफ हमारा हाउस आ जाएगा जिसमें लिखा हुआ हैप्पी बर्थडे टू यू, एंड एक तरफ में बहुत सारी विशेस लिखूंगी अपने बाबा के लिए। तो गाइस फाइनली एक कार्ड तो बन चुका है। अब भाई कार्ड से तो बात नहीं चलेगी ना, और भी तो कुछ कुछ बनाना पड़ेगा मुझे। कार्ड तो फिलहाल मैंने बना दिया है, उसके अंदर अपने बाबा के लिए वर्ड्स लिख लिए हैं कुछ, और ये हाउस बना के उसके अंदर हैप्पी बर्थडे की विश लिख ली है, और पीछे मैंने ये इस तरह का बनाया है। मेरे हाथ बहुत ज़्यादा गंदे हो चुके हैं। सो इन दोनों की मदद से बनेगी भाई हमारी किचन। बनाना शुरू करते हैं हम लोग अपनी किचन। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने जो इसकी ये जगह है इसको एक बना, बहुत दर्द होता है गाइस, क्योंकि उंगली दबरी होती है तो जाहिर से बात है इतना दर्द होता है ना। इसको यूँ बस इतना रखना है और इस जगह को हमने कर देना है यूँ फोल्ड अप कर देना है हमने इस जगह को, एंड यूँ करके हमने इसके अंदर गुस्सा आना है। तो इस साइड चारों ओर जो है ना मैं इसको घुमाऊँगी, फिर देखती हूँ इसका क्या लुक आता है। चलो घुमाना शुरू करते हैं। सो अभी फिलहाल मैंने पूरा कर लिया है एंड किचन कुछ इस तरह की बनी है। ये पापा अपनी कीस में लगा सकते हैं, एंड जो कार्ड है वो कुछ इस तरह का है। मेरे को पता है कि ये थोड़ा बच्चों टाइप बना है, पर मैं क्या करूं, अब मुझसे जितना हो रहा था मैं वो कर रही थी। और उम्मीद है कि आप लोगों को ये व्लॉग भी बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, और अगला व्लॉग बहुत ज़्यादा अच्छा आने वाला है, क्योंकि बाबा की बर्थडे है एंड हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरे रोज़ाना जो मेरा चैनल है उसमें न्यू सब्सक्राइबर्स बने, ताकि आप लोगों को भी रोज़ाना यूनिक चीज़ें देखने को मिल सकें। तो मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।